जिवें जिवें पंजाब दीआं विधानसभा चोणां नेड़े आ रहीआं हन उदां उदां ही सूबे विच सियासी हलचल भी तेज़ हो रही है। सियासी पार्टियां ने पंजाब विच अगले साल होण वालीआं विधानसभा चोणां दीआं तैयारियां शुरू कर दित्तीआं हन। अज पंजाब विच आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस आमो सामणे सन। लुधियाणे विखे रैली दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने अते चरणजीत सिंह चन्नी ने एक धमाकेदार स्पीच दित्ती। सिद्धू ने दिल्ली के केजरीवाल ते निशाना साधिआ अते कहा कि दिल्ली का मॉडल पंजाब दे मॉडल अगे फेल है। अज सिद्धू ने चरणजीत सिंह चन्नी दे तारीफां दे पुल बंदे। उन्हां कहा कि 3 महीने असीं जो काम करके दिखाया है वह पिछले 4.5 सालों में नहीं होया। उधर पंजाब दौरे पर आए अरविंद केजरीवाल वालों तीजी गरंटी के रूप में औरतों लई वड्डा ऐलान किया गया, जिस विच उन्होंने ऐलान करदिया कहा कि 18 साल तो उपर दीआं औरतों के खाते में हर महीने 1000-1000 रुपए पाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन्हां मातावां नूं बुढ़ेपा पैनशन मिल रही है उन्होंने भी पैनशन के नाल नाल यह 1000 रुपए दिते जाएंगे। इस दे नाल पंजाब विच 1 करोड़ तो ज़्यादा महिलावां नूं फायदा होगा। जिक्रयोग है कि इस तो पहला केजरीवाल सरकार वालों पहली गरंटी के रूप में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया गया। उत्थे ही दूजी गरंटी दौरान केजरीवाल वालों हर व्यक्ति नूं मुफ्त ते वधिया इलाज मुहैया कराने की भी गरंटी दी गई सी। रैली दौरान केजरीवाल ने सीएम चन्नी नूं भी नकली केजरीवाल दसिया। उन्हें कहा कि जिहड़े ऐलान उन्हां वालों किए जाते हैं वह मुख्यमंत्री चन्नी उन्हां दी रीस नाल ही ऐलान कर देंदे हन। उन्हें कहा कि मुख्यमंत्री चन्नी सिर्फ ऐलान ही करते हैं पर उन्हां नूं लागू नहीं करते। जो साड़ी पंजाब विच सरकार होगी असी इसनूं लागू करके दिखावांगे। पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे सबके। अगर एक परिवार में एक बेटी है, एक बहू है, एक सास है तो तीनों के अकाउंट में 1000-1000 रुपए आएंगे। जिन माताओं को बुढ़ापा पेंशन मिल रही है उनको बुढ़ापा पेंशन मिलती रहेगी, उसके अलावा 1000 रुपए मिला करेंगे। मेरे जो विरोधी हैं वो कहेंगे पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। मैं कई बार टीवी में देखता हूं चन्नी साहब के खब्बे पासे ट्रांसपोर्ट माफिया बैठा होता है, सज्जे पासे रीता माफिया बैठा होता है। ये दो माफिया खत्म कर दिए तो पैसा ही पैसा आ जाएगा, पैसे की चिंता मत करो। पैसा बहुत है सरकार के पास, बहुत पैसा है। जब हमने दिल्ली में महिलाओं की बसों के अंदर टिकट मुफ्त है, हमें देखा देखी कैप्टन साहब ने भी करी थी, लेकिन कैप्टन साहब ने सरकारी बसों की करी, प्राइवेट की नहीं करी। जब मैंने वो बसें फ्री करी 150 करोड़ का खर्चा आया। उसी टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने लिए प्राइवेट इस्तेमाल के लिए एक हवाई जहाज खरीदा 190 करोड़ रुपए का। उन्होंने अपने लिए प्राइवेट हवाई जहाज खरीदा 190 करोड़ का, मैंने लिए अपने लिए हवाई जहाज नहीं खरीदा। आज भी मैं जो सबके लिए हवाई जहाज होता उसी से आता हूं, गाड़ी से इधर आया हूं। एक एक मुख्यमंत्री के पास 3-3, 4-4 हवाई जहाज हैं। मैंने अपने लिए हवाई जहाज खरीदा 150 करोड़ रुपए में। मैंने दिल्ली की सारी महिलाओं की बसें फ्री कर दी। तो आपके लिए ये हम लागू करेंगे, पैसे की चिंता मत करना। ये सारे कहेंगे पैसा कहां से आएगा, एक ही बात कहूंगा, बड़ी सोच समझ के मैं वादा करता हूं, लेकिन केजरीवाल जो कहता है वो करता। मैं हवा में बात नहीं करता।